दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैक्स के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि व्हाई आई चोज दिस वन। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, इसके मुझे क्या बेनिफिट्स मिले हैं और हाउ दिस प्रीमियम केयर डूज अ मैजिक। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस डायपर के बारे में कैसे। फर्स्ट 3 months आई हैव यूज द टेप डायपर एंड बिलीव मी, मेरी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी विद दैट डायपर। और मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपका बच्चा छोटा हो तो उसे पैंट डायपर नहीं पहना कि टेप डायपर पहना ही हो। चेंज करने में आसानी होती है, स्पेशली जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो। सेकेंडली देन आई थॉट कि चलो फर्स्ट 3 महीने तो मैंने टेप डायपर यूज कर लिया, नाउ आई वॉज स्विच टू पैंट डायपर। तो क्योंकि हगीज मेरी बच्ची को सूट कर गया था तो आई थॉट कि चलो हगीज ही कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने हगीज का बबल बेड एक डायपर आता है, मैंने उस पर स्विच किया। इट वॉज गुड, कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। देन क्या हुआ, मुझे लगा कि इतने दिन हो गए मैं सिर्फ हगीज ब्रांड ही यूज कर रही हूँ, तो चलो मैं स्विच करके देखती हूँ यू नो पैम्पर्स कैसा रहेगा। तो जो पैम्पर्स का नॉर्मल पैंट आता है तो मैंने वो खरीद लिया एंड ट्रस्ट मी, मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था क्योंकि समहाउ लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी। बेबी का वेट देख के मैंने वो मीडियम खरीदा था, तभी मेरी बेबी 4.5 किलोस की। पैम्पर्स नॉर्मल पैंट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो देन आई थॉट कि चलो एक बार प्रीमियम केयर यूज करते हैं। तभी शायद फ्लिपकार्ट या अमेजोन में कुछ सेल लगी हुई थी एंड आई वॉज गेटिंग इट इन अ वेरी चीप डील, तब मैंने उसे खरीदा। एंड यू नो पहले ही मुझे वो बहुत पसंद थी। द फर्स्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस डाइपर इज इट्स वेरी सॉफ्ट, यू नो आवाज बहुत कम करता है कंपेयर टू द हगीज वन, उसमें एक प्लास्टिक की आवाज कुछ ज्यादा रहती है। आई लाइक दिस, यू नो हर मामा को प्रीमियम प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए। तो फिर जब प्रॉब्लम यह हुई कि ये पॉकेट में थोड़ा हैवी है, नो डाउट ये पॉकेट में थोड़ा सा हैवी है कम्पेयर टू अदर नैपकिंस, तो मैंने सोचा कि जब बबल बेड से मुझे कोई गंदा एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आई विल मिक्स बबल बेड एंड पैम्पर्स प्रीमियम। टिल 9 months एक्सपीरियंस अच्छा ही था। उसे यू नो ब्लड डिसेंट्री हुआ, उसे बार बार लूज मोशन होने लगे और ब्लड आने लगे। मुझे इस प्रीमियम केयर की यू नो अहमियत पता चली। वहाँ मेरा होम टाउन में 2-3 मेडिकल शॉप थे जहाँ पे मुझे ये पैम्पर्स प्रीमियम केयर कहीं नहीं मिला। देन मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना पड़ा, जो कि भी आने में 10 days का टाइम था। एंड दैट वाज द फेज कि 3-4 स्लीपलेस नाइट थे क्योंकि ऐसा बेबी के साथ हुआ कि उसको रैशेस आए और जब भी मैं उसको वो हगीज के बबल बेड देती थी वो ना अपने बमी को उठा के रोने लगती थी और वियर्ड सा साउंड करती थी। देन वी सॉ कि उसको इतने ज्यादा रैशेस हो गए हैं क्योंकि हम इतना फ्रीक्वेंटली उसका नैपी चेंज कर देते हैं। उस टाइम 3-4 दिन हम तो उसे नैपी फ्री ही रखे। फिर हमने देखा कि जब उसका वो थोड़ा सा कम हो गया तो हमने फिर से उसे हगीज पहनाना स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास अभी तक पैम्पर्स प्रीमियम आया नहीं था। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जब भी हम उसको वो नैपी पहनाने लगे दोबारा उसके रैश फिर से बढ़ने लगा। यू नो देन वी आर वेरी टेंस। तो फाइनली जब ये प्रीमियम केयर आया, यू वोंट बिलीव कि 3-4 दिन बाद हमें रैश के कोई भी निशान नहीं दिख रहे। मैं रैशेस क्रीम लगाई, कुछ होम रेमेडीज भी अप्लाई किए, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तभी मेरी बेबी 10 months की थी एंड नाउ शी इज 14 months प्लस, टच वुड उसको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है यू नो रैशेस। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर पैम्पर्स एंड हगीज। ये कहता है ये कॉटन इज सॉफ्ट, इट्स वेरी ट्रू, इट इज वेरी सॉफ्ट कंपेयर टू द हगीज। सेकेंडली यू नो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कोई डाइपर्स में आता है तो वो है ये मार्क जो ये कहता है वेटनेस इंडिकेटर। ये जो वेटनेस का इंडिकेटर है दिस वर्क्स एज अ मिरेकल। यू नो आप हमेशा तो अपना बेबी का बमी चेक करके नहीं देख सकते कि वेदर ये जो मार्क है ये येलो आता है, जब ये फुल हो जाता है यू नो इट बिकम्स ब्लू। इट इज नॉट नेसेसरी फुल, मतलब कि ये इतना सा ढोल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मामा
कि ये पूरा ब्लू हो जाए और ये लाइट है, बट क्योंकि ये अगर आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज फुल, ये अपना यूटिलाइजेशन पूरा कर चुका है, तो आप प्लीज उसको चेंज करके दूसरा नैप लगा दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू नो कुछ एरिया येलो है एंड कुछ ब्लू है, 6-7 आवर्स हो चुके हैं, तो ऐसा क्यों होता है बेबी जब सोए रहता है ना ऊपर की टाइम उसकी सुसु नहीं आती, तो शायद ये उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता है और ये येलो रह जाता है और नीचे का साइड पूरा हैवी हो जाता है, तब भी आप उसको चेंज करते हैं। ये मत सोचे कि थोड़ा येलो बाकी है चलो और ड्रैग करते हैं क्योंकि आपने इतना एक्सपेंसिव सा प्रोडक्ट खरीदा है। इससे क्या होगा कि आप उसके रैशेस में और ऐड करोगे और शायद उसका रैश बढ़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये जो इलास्टिक आप देख रहे हो ये पैम्पर्स प्रीमियम केयर का बहुत ही सॉफ्ट है, जबकि हगीज मेरे बेबी के कमर और वो हिप रीजन में ना एक मार्क छोड़ देता था, बट इसे यूज करने के बाद हमें पता चला कि उसको कभी वो मार्क दोबारा दिखेगी। ये जो कहता है कि यू नो इट हैज सम डिस्पोजेबल टेप, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता क्योंकि जब ये यूज हो गया तो इसे हम मोड़ के फेंके या इसका एक ये प्रीमियम टेप आता है इसको मोड़ने के लिए, सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इसे जाना तो डस्टबिन में, इसका यू नो इट हैज सम एलोवेरा लोशन की वो उसे मॉइस्चराइज करे, वो तो नॉर्मल पैम्पर्स में भी आता है और हगीज भी यही दावा करता है, तो ये 3 पॉइंट तो इनके सेम होते हैं। ये ब्रीदेबल यू नो दिस इज इट गिव्स अ ईयर चैनल व्हिच इज ब्रीदेबल, सो शायद हाँ इसमें मैंने वो फेस किया है। इसलिए क्या होता है कि जब भी बेबी सुसु या पॉटी करता है ना ये इंस्टेंट सोक कर लेता है, यू नो उस एरिया में आपको वो जगह वेट नहीं दिखेगा। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दोस टू प्रोडक्ट पैम्पर्स प्रीमियम केयर एंड हगीज। एडवांटेज भी है वो है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, यू नो कंपेयर टू द नॉर्मल पैम्पर्स ये 2 रुपीज पर यूनिट ज्यादा आता है या 3 रुपीज। अभी मैं इसका लार्ज पैक यूज कर रही हूँ और अगर मैं बल्क में लेती हूँ तो ये मुझे 1 यूनिट 15 रुपीज पड़ता है, पर अगर आप छोटे छोटे पैक लोगे तो शायद 1 यूनिट 18 रुपीज का पड़ेगा, जबकि अगर आप हगीज या पैम्पर्स में जाओ तो अराउंड वो 13-14 में आपको आ जाएगा। तो हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यू नो आप उसके एक दो ड्रेस कम खरीद दीजिए, एक दो टॉयज कम खरीद दीजिए, बट हमारा स्किन स्पेशली जो इंटीमेट एरिया है उस बात पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उस जगह के लिए आपको हमेशा एक प्रीमियम ब्रांड ही चूज करना चाहिए। यू नो अगर आपका बच्चा हगीज से भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स फाइन, बट अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि वेदर टू स्पेंड मनी और नॉट, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। अब मैं आपको कुछ अपनी तरफ से एक टिप्स देना चाहूंगी। देखिए डायपर्स इज वेरी मच मैंडेटरी फॉर अस, ये मुझे मालूम है, बट आप मामा कोशिश करें कि यू नो 2-3 दिन में एक बार उसे हाफ एन आवर 15 मिनट्स का यू नो डायपर फ्री टाइम दीजिए, उसे नीचे घुमाइए, नीचे घूमने दीजिए। वो अगर सुसु पॉटी करता भी है तो वो जमीन पे करेगा, बेड पे नहीं। होप कि वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर मिले होंगे कि आपको ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करना चाहिए या नहीं। ममास जिनको जिनके बेबी को रैशेस की टेंडेंसी है प्लीज आप ये प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम किया, शायद आपके लिए भी कर जाए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।